अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बहुत अच्छे। अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल करम से हम लोग भी ठीक है। तो आज मैं अपना व्लॉग जो जुम्मा के दिन से शुरू कर रही हूँ, तो सबसे पहले आप लोग सभी को जुम्मा मुबारक हो। तो मैं यहाँ पर शाम को मुझे डिनर में नान बनाना था, तो इसलिए मैं यहाँ पर आटा गूंद के रख रही थी, क्योंकि नान के लिए सबसे पहले हमें आटा जो 5-6 घंटा पहले गूंद के रखना चाहिए। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 kg मैदा ली थी, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा आदमी है तो हमें ज़्यादा नान बनाना है, तो 1 kg मैदा ली थी। उसमें फिर मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा डाल दी थोड़ा चुटकी भर के, और फिर यहाँ पे 5 चम्मच मैं यहाँ पर शक्कर डाल दी हूँ, और फिर यहाँ पे 1/2 चम्मच मैं नमक डाली थी, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 पाव दही मंगाई थी वो ऐड करी हूँ। फिर इसमें मैं 3-4 चम्मच मैं इसमें तेल डाल दूँगी। तेल डाल के इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी हाथ से, पानी से इसको गूँधना। लेकिन पहले जो हमने यहाँ पे दही और तेल शक्कर सब डाली हुई ना, पहले इसको अच्छे से हाथ में मैं मिक्स कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर पानी डाल के अच्छे से गूँधूँगी। तो चलिए सबसे पहले इसको हम मिक्स कर लेते हैं। एक हाथ से पहले मैं यहाँ पे मिक्स कर रही थी, मिक्स करने के बाद फिर इसमें दोनों हाथ से मैं मिक्स करने लगी, क्योंकि जो दही डाली हूँ अच्छे से आटे में मिल जाए, नहीं तो गुठलियाँ बनी रहेंगी। तो इसके लिए मैं सबसे पहले मिक्स करने के बाद फिर मैं लूँगी यहाँ पे पानी, फिर पानी से इसको गूँधूँगी। हल्का हल्का पानी डाल के इसको गूँधेंगे, पहले ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो आटा जो है गीला हो जाएगा। तो बाद में इसको अच्छे से 5-6 मिनट में अच्छे से मैं गूंदी हूँ इसको, ताकि जो हमारा आटा अच्छे से गूंदेगा तो तभी ये अच्छे से उठेगा, तभी तो हमारी नान जो है अच्छी से बनेगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के इसको अच्छे से गूंदी, फिर उसके बाद इसको मैं ढक के रख दूँगी थमने के लिए। अब इसको रात में डायरेक्ट मैं बनाऊँगी। तो चलिए, मैं यहाँ पर आलू गोश्त बनाने जा रही थी, इसकी रेसिपी आप लोग से तो मैं शेयर करी हूँ, फिर भी आज मैं थोड़ा आप लोग से फिर शेयर करने जा रही थी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन पीस के रख ली थी, यहाँ पे मैं टमाटर जो पीस रही थी 1 पाव तक मैंने यहाँ पर टमाटर लिए, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज भी पीस के रख ली थी, फिर यहाँ मैंने कुकर रख दी थी गर्म होने के लिए, फिर मैंने यहाँ पे खोपरा धनिया पत्ती पीसी हूँ, और मैंने आलू भी कट करके रख ली थी 3-4 आलू। यहाँ पे जो हमारा मसाला था सब मैं पीस के रख ली थी इकट्ठा करके, फिर मैं चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे गोश्त भी सारा मैं धुल के रख ली थी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 फाँट टेबल स्पून मैंने ऑयल डाली, क्योंकि ऑयल ज़्यादा लगेगा गोश्त में। तो फिर उसके बाद हमारा ऑयल गर्म हो गया, तो फिर यहाँ पर मैंने प्याज कटी हुई, प्याज और हरी मिर्च डाल दी थी, थोड़ी सी वो गोल्डन ब्राउन हो गए थे। फिर मैंने यहाँ पे खड़ा मसाला थोड़ा डाल दिया था, फिर उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाली हूँ, उसको अच्छे से मैं भूनूंगी, कम से कम हाई फ्लेम पे भूनूंगी, खूब अच्छे से इसमें खुशबू आने लगे, तब मैं अपने यहाँ पे प्याज जो मैं पीस के रखी थी उसको ऐड करूँगी। प्याज के साथ साथ अब इसमें मैं मसाला डाल दूँगी, यहाँ पे 2 चम्मच मैं लाल मिर्च का पाउडर डालूँगी, 1/2 चम्मच मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मैं धनिया पाउडर, 2 चम्मच स्वाद अनुसार नमक, यहाँ पे 1 चम्मच मैं जीरा पाउडर डालूँगी, 1/2 चम्मच मैं यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर डालूँगी। और काली मिर्च डालने के बाद अब इसको मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, फिर कास्तूरी मेथी डाल दूँगी चुटकी भर, फिर उसके बाद अच्छे से इसको मैं भूनूँगी। जब हमारा मसाला हो गया, फिर इसमें गोश्त डाल दूँगी, गोश्त डाल के थोड़ी देर के लिए इसको भूनूँगी। तब उसके बाद मैं जो अपने टमाटर पीस के रखी थी, खोपरा और धनिया पत्ती पीसी थी उसको डालूंगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 1 पाव तक मैंने टमाटर पीस के रखी थी उसको ऐड कर दूँगी। इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पे खोपरा जो धनिया पत्ती पीसी थी उसको डाल दूँगी, इसमें पानी नहीं ऐड करूँगी। उसके बाद मैं इसको रख दूँगी प्रेशर के लिए, इसको तो मतलब 1-2 सीटी लगाने के बाद मैं इसको बंद कर दूँगी। फिर उसके बाद हमारे अब्बू जान आ गए थे, उनको भूख लगी थी तो बोलने लगे कुछ बनाओ घर में, तो फिर यहाँ पर हम भजिया बनाने लगे बेसन की प्याज की। तो फिर हम लोग शाम का टाइम था, 5-5 बज रहे थे, फिर हम लोग भजिया बनाए, फिर सब लोग बैठ के चाय बनाए, केचप लेके सब लोग बैठ के इंजॉय किए। तो उधर हमने गोश्त चढ़ा दिए थे आलू, क्योंकि अभी हमने आलू नहीं डाले हैं, तो जब हमारा गोश्त है थोड़ा पक जाएगा तब आलू डालूंगी, क्योंकि आलू डाल दी थी तो पहले से साथ में तो गल जाता, तो इसलिए मैं उसको चढ़ा दी थी गोश्त को। फिर मैं सोची 2-3 सीटी हाई फ्लेम पे लगा लूँगी, उसके बाद बंद कर दूँगी। बंद करने के बाद तब इसमें आलू डालूँगी मैं। तो फाइनली यहाँ पर जो भजिया थी वो हल्की, मतलब एक बार तो दे दी थी, सब लोग खा लिए थे, फिर थोड़ा और बचा था उसको मैं फ्राई कर लिए, सब लोग शाम का टाइम था अच्छे से इंजॉय किए। तो
तो भजिए जो बनाने शाम के टाइम रहता है तो चाय के साथ, ये मौसम अच्छा रहता है, बारिश का मौसम रहता है, भजिए खाने में और मज़ा आता है। तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंजॉय किए। फिर ये जुमा का दिन था, यहाँ पे जुलूस भी निकल रहा था, तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी सोचे खाना बना ले, फिर जुलूस में भी जाना। यहाँ पे हमारा गोश्त जो था सीटी निकल गई थी, फिर इसमें मैं आलू डाल के अब इसको चढ़ा दूँगी। ये भी पक गया फाइनली, आप लोग देख सकते हैं गोश्त बहुत अच्छा बना था, टेस्ट बहुत अच्छा था इसका, नान के साथ तो बहुत अच्छा लगा खाने में, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। चलिए अब नान बनाते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े हमने यहाँ पे पेड़े बना लिए हैं मैदे के, फिर इसको बाद अब बेलन से अच्छे से बेलेंगे, ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे। फिर इसको हाथ में पानी लगा के इसको चिपकाएंगे ताकि जो तावे में चिपक जाए, गिरे ना सेकने पे। फिर उसके बाद हमने नान को हमने तावे पे चिपका दी थी, फिर उसके बाद सौंफ और मंगरेल डाल के इसको अच्छे चिपका दूँगी ताकि देखने में अच्छा लगे। यहाँ पर धनिया की पत्ती भी आप लोग चिपका सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चिपकाई। फिर उसके बाद ये तावे को उल्टा करके इसको सेक रही थी हाई फ्लेम पे घुमा घुमा के, ताकि हमारी जो नांद है अच्छे से चारों तरफ से हो जाए, कच्ची ना रहे। और बहुत अच्छी बनी थी, एकदम मुलायम सॉफ्ट बनी थी, सबको खाने में बहुत पसंद भी आई थी। आप लोगों को भी ये रेसिपी मेरी है नांद की और आलू गोश्त की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और फुल वॉच कीजिएगा। मैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ कोई नेक्स्ट रेसिपी लेके। ओके, अल्लाह हाफिज़।